गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में अपने एक पॉइंट फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रखा था सेट समुच्चय, तो एक पॉइंट एक के क्वेश्चन कर लिए थे। उसके बाद हमारा सिलेबस जो रिवाइज हो गया है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। अब हम एक पॉइंट दो के क्वेश्चन करते हैं। तो देखो, इसमें सबसे पहले इसमें आता है टाइप्स ऑफ सेट्स, यानी समुच्चय के प्रकार। क्या आता है इसमें? समुच्चय के प्रकार। सिंपल सा चैप्टर है। अगर आपने समुच्चय के प्रसार की डेफिनेशन अच्छे से कर ली तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी एक पॉइंट दो चैप्टर करने में। समुच्चय के प्रकार, समुच्चय के प्रकार में देखें तो फर्स्ट है हमारा रिक्त समुच्चय। कौन सा होगा फर्स्ट हमारा समुच्चय के प्रकार देखते हैं, तो रिक्त समुच्चय। फिर उसके बाद इसमें आता है एकल समुच्चय, एकल समुच्चय, ठीक है जी। फिर आता है परिमित और अपरिमित समुच्चय, परिमित और अपरिमित समुच्चय। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है समान समुच्चय, समान समुच्चय। नेक्स्ट समुच्चय की बात करें तो हमारा आता है तुल्य समुच्चय। कौन सा आ गया अभी? तुल्य समुच्चय। देखो भी स्टूडेंट्स, इसमें अगर आपके इनकी डेफिनेशन क्लियर है तो ये आपके चैप्टर भी क्लियर हो जाए। और रही बात स्टूडेंट्स, आपने इस बात की टेंशन ले रखी है अपने सिलेबस की, तो सिलेबस की टेंशन लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपको रिवाइज करवाया जाएगा, सिलेबस सारा का सारा आपको करवाया जाएगा, ठीक है। तो इस बात की आप कोई टेंशन नहीं रखोगे। आपको पता है बीएल स्कूल की फैकल्टी एक से बढ़कर एक है। तो देखो स्टूडेंट्स, समुच्चय के प्रकार बढ़ रहे थे। रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय का अर्थ है वह समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है। तो आप इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे? जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है, जिस समुच्चय में रिक्त यानी खाली समुच्चय है, ठीक है, जिस समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं है तो वो हमारा होगा रिक्त समुच्चय। डेफिनेशन लिख लोगे। इसको किससे दर्शाते हैं? फाई से, या इसको किससे दर्शाते हैं? इस प्रकार खाली ब्रैकेट से। समझ गए? समुच्चय हमने पढ़ लिया था क्या होता है, वस्तुओं का सुपरिभाषी संग्रह, वस्तुओं का कलेक्शन करना, ठीक है। उसके प्रकार में देख रहे थे रिक्त समुच्चय, एकल समुच्चय, परिमित और अपरिमित, समान और तुल्य समुच्चय। सबसे पहले हमने पढ़ रहे हैं रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय आ गया, इसका अर्थ है इस समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं होगा, वह खाली होगा, ठीक है। इसको किससे दर्शाएंगे? फाई। इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? फाई, या इस खाली ब्रैकेट से। समझ गए? क्लियर है? फिर भी आपको कोई भी दिक्कत आ रही है अगर क्वेश्चन करने में, कोई भी आप क्वेश्चन करते हो तो आप मैसेज करके अपने डाउट्स क्लियर कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे 10 बार पूछें, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन अब तैयारी करें, अब आपका नोटिफिकेशन आ चुका है, आपके एग्जाम होंगे भी, इस बार आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अपनी तैयारी कीजिए, अब सर्दियां आ चुकी है, अच्छा आप पढ़ सकते हो, ठीक है। सर्दियों में क्या होता है, हम खूब सो भी सकते हैं, खूब पढ़ भी सकते हैं और खूब खा भी सकते हैं। तो अब आप देख लो इसमें से क्या करना है, सिर्फ ये 2-3 मंथ की बात है, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करोगे, ठीक है। अब आता है एकल समुच्चय, ठीक है जी, एकल समुच्चय। एकल, इसका अर्थ है इस समुच्चय में कितने अवयव होंगे? एक ही अवयव होगा। कितने अवयव होंगे? एक ही अवयव होगा। एकल समुच्चय आ गया तो इसमें कितने अवयव होंगे? एक ही। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एक पल दे रखा हमें एक्स, एक्स एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, एक्स एक धनात्मक पूर्णांक है, 3 से बड़ा है एक्स और छोटा है 5 से।
इसका अर्थ है x जो है 3 से बड़ा है लेकिन 5 से क्या है छोटा है। तो 3 से बड़ा 5 से छोटा यानी कितना आ गया 4, इसमें अवयव कितने हैं 1 है। तो ये हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, एकल समुच्चय। समझ गए, प्रेमित अप्रेमित, प्रेमित अप्रेमित। प्रेमित का अर्थ होगा स्टूडेंट्स जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या क्या हो निश्चित, जिन्हें काउंट किया जा सके। अवयवों की संख्या क्या हो निश्चित, काउंट किया जा सके, तो प्रेमित। काउंट न किया जा सके, निश्चित न हो, अनिश्चित हो, तो क्या हो जाएगा अप्रेमित समुच्चय। समझ गए, प्रेमित में निश्चित होगी अवयवों की संख्या, जैसे हमारे पास ये है इक्वल 1 2 3 4 5, तो इसमें अवयवों की संख्या कितनी है 5 है, तो इसमें निश्चित है, हमें वैल्यू पता है, तो ये तो हमारा क्या हो गया प्रेमित। अगर आपको बोल दे n इक्वल प्राकृत संख्याओं का समुच्चय या 1 2 3 डैश डैश डैश, अब ये तो कितने भी हो सकते हैं नेचुरल नंबर दो हमारी, तो ये प्रेमित संख्या नहीं है, ये क्या हो जाएगा हमारा अप्रेमित। समझ गए स्टूडेंट्स। अब बात आती है समान समुच्चय, कौन सा समुच्चय है समान समुच्चय, तो देखो भी डेफिनेशन लिखोगे भी इनकी, ठीक है। समान समुच्चय में दो समुच्चय, कितने समुच्चय हैं, दो समुच्चय जिनके अवयव क्या हो समान हो, अवयव क्या हो बिल्कुल समान हो, सारे के सारे अवयव हो एक दूसरे में, जैसे दो समुच्चय है हमारे पास, ए इक्वल हमें को दिया है 1 2 3 4 5, बी इक्वल दिया है हमें 5 2 3 4 1, तो दोनों में क्या है सारे के सारे एलिमेंट इसमें भी है और इसमें भी है, तो ए इक्वल है बी के, तो ये क्या हो जाएगा समान समुच्चय। समझ गए, दो समुच्चय कब समान होंगे जब उनके अवयव क्या हो जाएंगे समान, दोनों में वो एलिमेंट्स होने चाहिए भी सारे के सारे ही। अब आता है तुल्य समुच्चय, तुल्य समुच्चय दो समुच्चय तुल्य कब होंगे जब उसमें अवयवों की संख्या समान हो, अवयवों की संख्या समान हो। इसमें तो क्या था दो समुच्चय क्या होंगे जब उसके अवयव ही समान हो, लेकिन इसमें संख्या समान होनी चाहिए, जैसे हमें दिया ए इक्वल 4 5 6, बी इक्वल बी सी डी, तो इसमें अवयवों की संख्या कितनी है 3, इसमें भी कितनी है 3, तो ये क्या हो गया हमारा तुल्य समुच्चय। समझ गए, ये क्लियर है, क्या पढ़ा हमने देखो दोबारा, समुच्चय के प्रकार रिक्त समुच्चय, एकल समुच्चय, प्रेमित अप्रेमित, समान और तुल्य। रिक्त में कोई भी अवयव नहीं होगा, फाई से दर्शाएंगे या खाली ब्रैकेट से। एकल में एक ही अवयव होगा उस समुच्चय में, प्रेमित में उसके अवयव गिने जा सकेंगे, अप्रेमित में काउंट नहीं होंगे। समान में अवयव क्या होंगे दो समुच्चय होंगे उनके अवयव समान होंगे, ठीक है, तो समान समुच्चय। तुल्य में संख्या अवयवों की क्या होगी समान, तो वो क्या होगा तुल्य समुच्चय। अब इसके देखते हैं क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें यही बताना है कौन कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं, क्या बताना है भी कौन कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट है हमें दो से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, रिक्त समुच्चय बताना है भी कौन कौन से हैं हमें इस क्वेश्चन। तो पहले क्या दिया है इसमें, दो से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, दो से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। देखो भी दो से भाज्य विषम, पहले तो विषम प्राकृत संख्या मान लेते हैं कौन सी होती है 1 3 5 7 9 11, इस प्रकार से चलती है विषम प्राकृत संख्या, ठीक है जी। तो अब यहां पर इसमें दो से भाज्य कोई भी संख्या है क्या, इसमें दो से भाज्य
दो का भाग नहीं जा रहा क्योंकि विषम संख्या है, दो से भाज्य नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय। तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसमें, रिक्त समुच्चय, समझ गए। सेकंड, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, क्या बोल दिया सेकंड क्वेश्चन में, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। देखो स्टूडेंट्स, आपको अभाज्य संख्या पता है, पहले वाली क्लासों से ही पढ़ते आ रहे हो। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिसमें या तो उसका स्वयं का भाग जाता है या किसका भाग जाता है, एक का। अभाज्य संख्या कौन सी होती है जिसमें या तो उसका स्वयं का भाग जाएगा और या किसका भाग जाएगा, एक का। अब बोल रहा है सम होनी चाहिए, तो सम संख्याएं कौन सी होती है, दो चार छह आठ, इस प्रकार से चलती है। अब बोलता है सम भी होनी चाहिए और अभाज्य, अब दो तो अभाज्य संख्या भी है और सम भी है, लेकिन चार में दो का भाग जा रहा है तो ये अभाज्य नहीं है, छह में भी जा रहा है, आठ में भी जा रहा है, तो आगे वाली संख्याएं अभाज्य संख्याएं नहीं है। तो ए इक्वल यहां से क्या आ गया हमारे पास, दो। तो ए इक्वल यहां से हमारे पास क्या आ गया, दो। तो ये जो समुच्चय है हमारा रिक्त नहीं है, रिक्त नहीं है। लेकिन ये समुच्चय कौन सा है, इसमें कितने एलिमेंट हैं, एक है, लेकिन ये समुच्चय कौन सा है, एकल समुच्चय है। बताया था एकल समुच्चय में कितने अवयव होंगे, एक अवयव होगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक्स, एक्स एक प्राकृत संख्या है, क्या बोल रहा है इसमें, एक्स कोलन एक्स एक प्राकृत संख्या है, एक्स कोलन एक्स एक प्राकृत संख्या, क्या है एक्स एक प्राकृत संख्या, ठीक है जी। क्या बोल रहा है आगे इसमें, एक्स बड़ा है, एक्स छोटा है पांच से, और साथ ही साथ एक्स जो है एक तो पांच से छोटा है और साथ ही साथ एक्स जो है बड़ा है सात से। तो देखो स्टूडेंट्स, एक्स एक तरफ तो वो बोल रहा है एक्स जो है पांच से छोटा है, और यहां बोल रहा है एक्स सात से बड़ा है, यहां बोल रहा है एक्स क्या है, पांच से छोटा है, और वहां बोल रहा है एक्स सात से बड़ा है। तो इसकी ऐसी प्राकृत संख्या संभव नहीं होगी। कोई भी बता सकते हैं क्या ऐसी संख्या जो एक्स, जिसमें तो बोल दिया पांच से छोटी हो सात से बड़ी हो, पांच से छोटी सात से बड़ी, ऐसी संख्या हम नहीं बता सकते। तो ये क्या है, एक रिक्त समुच्चय। तो ये हमारा एक क्या है, रिक्त समुच्चय, समझ गए रिक्त समुच्चय क्या होगा। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में बोला है वाई कोलन वाई किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का, किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है, किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। देखो स्टूडेंट्स, इसमें क्या दिया है, y कोलन y किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा अभी इसमें हमारी समांतर रेखाएं होती कौन सी है, हमारी समांतर रेखाएं कौन सी होती है, समांतर रेखाओं के मध्य दूरी हमेशा क्या रहती है, कॉन्स्टेंट वैल्यू रहती है, समान रहती है, कहीं काटती नहीं है, कहीं काटेगी नहीं, तो हमें उभयनिष्ठ बिंदु कहां से प्राप्त होगा, समझ गए मेरी बात। भी समांतर रेखाएं क्या होती है, इनके मध्य दूरी क्या रहती है, कॉन्स्टेंट वैल्यू रहती है। अगर 3 सेमी है तो ये 3 सेमी चलेगी, अगर ये दूरी इस प्रकार से कॉन्स्टेंट वैल्यू चल रही है, समांतर रेखाएं कहीं काटेगी नहीं, तो उभयनिष्ठ बिंदु कहां से प्राप्त होगा, तो हमें उभयनिष्ठ बिंदु कहां से प्राप्त होगा। अगर उभयनिष्ठ बिंदु ही प्राप्त नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, एक रिक्त समुच्चय, क्या हो जाएगा, ये एक रिक्त समुच्चय।
समझ गए स्टूडेंट्स? बाकी इसके स्टूडेंट्स क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिर भी आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी सिलेबस से रिलेटेड पूछना हो या कोई भी डाउट हो तो आप मैसेज करके पूछोगे। सिलेबस की आपने टेंशन नहीं लेनी, आपको सारा सिलेबस करवाया जाएगा, रिवाइज भी करवाया जाएगा। बाकी इसके क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर।